हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास थर्ड के जीके का एक लेसन रीड करेंगे, ओके। एंड द टाइटल इज नेक्स्ट इन द सीरीज। सो इसमें आपको क्या है कि कुछ सीरीज दिखा रखी हैं, उसमें आपको पास्ट पैटर्न्स को देख करके बताना है कि नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा। विच फिगर विल कम नेक्स्ट इन ईच सीरीज, हर सीरीज में अगला कौन सा इमेज आएगा। टिक द करेक्ट बॉक्सेस, तो करेक्ट बॉक्सेस पे आपको टिक करना है। पहला देखिए सीरीज क्या है, इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन है एंड एक वर्टिकल लाइन है। अगले इमेज में दो हॉरिजॉन्टल हो गई, एक वर्टिकल हो गई। थर्ड इमेज में दो हॉरिजॉन्टल हो गई और दो ही वर्टिकल हो गई। इससे अगले इमेज में तीन हॉरिजॉन्टल हो गई और दो वर्टिकल हो गई। तो अगले में क्या आएगा पैटर्न देख रहे हैं, तो एक एक लाइन बढ़ रही है, एक बार हॉरिजॉन्टल, एक बार वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल। तो अगली इमेज आएगी तीन हॉरिजॉन्टल एंड तीन वर्टिकल। सो बी इज द राइट आंसर, इसमें तीन हॉरिजॉन्टल हैं और तीन ये वर्टिकल्स हैं, ओके। सेकंड देखिए इसमें क्या है, ये एक क्यूब दे रखा है, ओके। इस क्यूब में देखिए एक ब्लैक बॉक्स है और बाकी सारे वाइट बॉक्सेस हैं। तो ये ब्लैक बॉक्स जो है एक पोजिशन चेंज कर रहा है हर इमेज में। पहले में देखिए क्या है, ये पहले में फर्स्ट कॉलम के सेकेंड रो में है। सेकेंड इमेज में क्या है, फर्स्ट कॉलम के थर्ड रो में आ गया। थर्ड इमेज में क्या है, सेकेंड कॉलम के थर्ड रो में है। फोर्थ में क्या है, थर्ड कॉलम के थर्ड रो में है। तो फिफ्थ में क्या आएगा, थर्ड कॉलम के सेकेंड रो में आएगा। तो ये थर्ड कॉलम के सेकेंड रो में, ए इज द राइट आंसर, आपको सेकेंड के ए पर टिक करना है, ओके। अगला देख लीजिए, अगले में क्या है, इसमें पांच सर्कल्स दे रखे हैं, ओके। और अगली इमेज में चार रेक्टेंगल्स हैं। थर्ड इमेज में चार सर्कल्स हो गए और अगली इमेज में तीन रेक्टेंगल्स हो गए। तो इसका मतलब हर इमेज में एक एक ऑब्जेक्ट कम हो रहा है और पैटर्न ऐसा आ रहा है कि पहले सर्कल है, फिर रेक्टेंगल, फिर सर्कल, फिर रेक्टेंगल, अगला फिर सर्कल आएगा और काउंट भी कम हो जाएगा, तो तीन सर्कल्स आएंगे। बी इज द राइट आंसर, ओके। बी के ऊपर आपको टिक कर देना है। बी ऑप्शन देख लीजिए, टिक द ऑड फिगर इन ईच सेट, तो हर सेट में एक फिगर जो है ऑड है वो आपको आइडेंटिफाई करके टिक करना है। जैसे पहला देखिए, इसमें क्या है, फर्स्ट दे रखा है रेक्टेंगल, चार कॉर्नर हैं इसके, ओके। बी दे रखा है इसमें ट्राइंगल जिसमें तीन कॉर्नर हैं इसके। सी दे रखा है इसमें सर्कल। डी दे रखा है इसमें पेंटागॉन जिसके पांच कॉर्नर हैं। तो इसमें से ऑड क्या लग रहा है आपको, सी, क्योंकि ये सर्कल है, बाकी ऑप्शंस में कॉर्नर्स हैं, इसमें कोई कॉर्नर नहीं है, तो दिस इज द ऑड वन, सी के ऊपर आपको टिक कर देना है, ओके। अगला देखिए, इसमें क्या है, पहले एक बड़ा सर्कल है, उसके ऊपर छोटा सर्कल, फिर सबसे छोटा सर्कल। अगले इमेज में क्या है, एक रेक्टेंगल, फिर छोटा रेक्टेंगल, फिर उससे छोटा रेक्टेंगल। सी में क्या है, एक ट्राइंगल, फिर छोटा ट्राइंगल और फिर उससे छोटा ट्राइंगल। डी में क्या है, तीनों सर्कल दे रखे हैं एक साइज के। तो इसमें ऑड कौन सा है, डी जो है इसमें ऑड है, क्योंकि शुरू के तीनों इमेजेस में पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, जबकि डी ऑप्शन में सारे इक्वल दे रखे हैं। सो डी इसमें ऑड है, इस पे आपको टिक कर देना है, ओके। चलिए तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, इससे फ्यूचर में आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।